रहे थे आपने क्या फुट पटांग चीजें लगाई जो अभी भी तो थे। कौन सी चीजें लगाई हैं हमने? किस पेज पे बात कर रहे हैं? नूर मौलाना पेज पे? आपने जो लगाया है जो इस्माइलीज हमको बदनाम करने के लिए वो क्या लगाया था। हमने इस्माइलिज्म को बदनाम करने के लिए नहीं लगाया, हमने हकीकत बताई है इस्माइलिज्म के हवाले से। अगर उसमें आपको लगता है कि हमने कुछ क्या बताइए आपको कुछ मालूम नहीं, आपको कुछ भी मालूम नहीं। सिर्फ एक वही बंदा है जो दुनिया के सारे लोगों की खिदमत करना चाहता है, उनकी कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन रही है, और आप उस चीजों को दूसरे अंदाज में बता रहे हैं विदाउट एविडेंस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, किसी कम्युनिटी की हेल्प कर लेने से या किसी की मदद करने से क्या वो इंसान खुदा बन जाता है? खुदा तो नहीं बनता है, कौन कहता है वो खुदा है, नाउज बिल्ला वो एक इंसान है। इंसान खुदा का भी नहीं बन सकता है, सिर्फ वो क्या करता है वो इंटरप्रेट करता है कुरान और हदीस में जो होता है उसको लोगों को आसान तरीके से समझाता है। उसको खुदा कौन मानता है, अच्छा ठीक है, आप उसे खुदा नहीं मानते, उसे आप इंसान मानते हैं ना? खुदा बिल्कुल इंसान मानते, वो हमारी तरह इंसान है, वो फिजिकल अपियरेंस रखता है, वो खुदा नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ वो क्या है वो कुरान और हदीस को इंटरप्रेट करता है, अपनी जमात के लिए इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर एक इंसान है, आप बैठे हैं पाकिस्तान में, मैं बैठी हूँ यूके में, मैं आपसे बगैर किसी अच्छा रास्ते के, बगैर फोन के, बगैर किसी सैटेलाइट के, बगैर किसी इंटरनेट के, क्या मैं आपकी बात सुन सकती हूँ या आप मेरी बात सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, हम कैसे नहीं सुन सुन सकते सकते हैं। हैं। ठीक है, तो जब आप जमात खाने में बैठे होते हैं और अपने इमाम को बुलाते हैं, या इमाम जमा, या अंता मौलाना कुवती अंता सनदी वालई कतिकाली, या हाजिर मौजूद शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, जब आप उसे पुकारते हैं कि तू ही मेरी कुवत है, तू ही मेरी ताकत है, तुझी पर मेरा तवक्कल है, और या नूर मौलाना हमारे दुख तकलीफ परेशानियां दूर फरमा, तो वो आपकी दुआएं सुनते हैं बिल्कुल सुन सकते हैं, बगैर किसी रास्ते हम के? उससे यानी वो औलाद अली है, वो औलाद अली है, और आप अली से मदद मांग सकते हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अली से मदद मांगे है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने अभी कहा कि वो एक आम आपकी तरह एक इंसान है, आपने बोला ना आपकी तरह एक इंसान है, ठीक है, उसमें इंसानों वाली ही चीजें होनी चाहिए, खसूसियात। तो एक इंसान जो है वो बगैर किसी राब्ते के किसी की बात नहीं सुन सकता, आप कह रहे हैं कि मेरा इमाम सुन सकता है, तो या तो वो इंसान नहीं है, और अगर वो इंसान है तो उसमें ये चीजें नहीं हो सकती हैं। यार आपको कुछ पता नहीं, आपने हिस्ट्री स्टडी नहीं की, आप नहीं, पहले हिस्ट्री स्टडी करवा हम रहे हिस्ट्री पे हो। जाएंगे, बात आपने सुन क्या लीजिए, किया जब बात सुन लीजिए, हम हिस्ट्री पे जाएंगे, हम हिस्ट्री पे जरूर जाएंगे, ठीक है, वो बात का टॉपिक है। पहले इस बात को तो तय कर लेना कि हाजिर इमाम इंसान है या कोई ऐसी मखलूक है जो हर जगह मौजूद होती है। देखिए आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आप समझ रहे हैं कि शायद इस्माइलिज्म इस्माइली मजहब में यानी इमाम को खुदा मान रहे हैं, वो उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे वो क्या है सवाल क्या किया है? दरहकीकत, मैंने आपसे सवाल क्या दरहकीकत किया है? वो क्या है। आप सवाल दोहराए प्लीज। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके हाजिर इमाम अगर इंसान है तो उनमें ये कैसी ताकत है कि आप पाकिस्तान बैठे हैं वो आपकी दुआ सुन लेते हैं, ये ताकत कैसी है उनके अंदर? वो मुश्किल कुशा है, वो औलाद अली है, औलाद अली से आप मदद मांग सकते हो, अली का नूर है, उससे मदद मदद कैसे नहीं मांग सकते तो हो वो आप। इंसान है या कोई और मखलूक है? इंसान है, इंसान इंसान कोई और मखलूक कैसे हो सकते हैं आप। तो मैं आपसे यही नजर आए पूछ रही हूँ इंसानियत ना, तो क्या है। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि इंसान के अंदर तो ये ताकत नहीं होती है कि वो कहीं पर भी बैठ के किसी की बात सुन सकता है, या तो हाजिर इमाम इंसान नहीं है, और अगर इंसान है तो उसमें ये ताकत नहीं हो सकती है, तो आप बताएं कि क्या चीज़ सही है? आप ये बताएं ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इतना मानते हैं क्यों, क्योंकि अल्लाह ने उसे पैदा किया और इंसानों के लिए एक रहनुमा बना के पैदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम को कितने वो थे उसके पास मौजजात थे। मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ कि हाजिर इमाम इंसान है या नहीं है? तो इंसान है, मैं क्या कह रहा हूँ इंसान है। इंसान के अंदर ये ताकत नहीं होती कि वो कहीं पर भी बैठ के किसी की भी दुआ को सुन ले और उसका जवाब दे दे। वो चलो
आप कह रहे हो कि इंसान के बने, हम भी यही कह रहे हैं, वो इंसान है, हमने भी उसे वो मदद नहीं मांगते, हम भी अल्लाह से मदद मांगते, आप उससे मदद मदद अपने नहीं इमाम से नहीं मांगते, आप क्या मांगते। है सिर्फ एक इंटरप्रेट करता है, वो दोबारा सुन लिए, क्या कुरान और अहादीस को इंटरप्रेट करता है। दोबारा सुन लीजिए, आपने कहा कि मैं अपने इमाम से मदद नहीं मांगता, हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। जबकि थोड़ी देर पहले मैंने आपकी दुआ पढ़ के बताई, या इमाम जमा, या मौलाना, अंत कुवती व अंत सनदी व लैका तकाली, या हाजरुल मौजूद शाह करीम अल हुसैनी। ठीक है, तो ये होती है दुआ, हाँ और दुआ में आप उसको पुकार भी इस तरह रहे कि ए इमाम जमा, तू ही मेरी कुवत है, तू ही मेरी ताकत है, और तुझी पर मेरा सहारा है, और तू ही हाजिर और मौजूद, यानी अभी तुम मेरे सामने, यानी कि अभी मौजूद हो, हाजिर हो और मौजूद, यानी हर जगह हो। तो ये हाजिर और मौजूद होना कि एक इंसान बैठा खुद पुर्तगाल में है लेकिन वो हर जगह मौजूद हो, ये क्या किसी इंसान की ताकत हो सकती है? वो उनकी बिलीव, हम स्पिरिचुअली उसको अपने दर, वो हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हो आप फिजिकल तौर पे बात कर रहे हो, हम फिजिकल तौर पे उसको अपने अंदर मौजूद नहीं पा रहे, हम फिजिकली यानी स्पिरिचुअली हम ये समझते हैं कि वो इधर मौजूद है और उससे दुआ मांगी, इसीलिए हम या अली मदद कहते हैं, या अली मदद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद या अली मदद कहता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाजिर इमाम बजाहिर इंसान है, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, हाँ आप कहते हैं हाजिर इमाम जाहिरी तौर पर इंसान है लेकिन स्पिरिचुअली यानी हाँ रूहानी तौर पर वो हर जगह मौजूद है। नहीं, हम ये नहीं कहते, यानी वो हमारी बिलीफ होती है कि हम स्पिरिचुअल यानी उसको अपने करीब, यानी अपने करीब तसव्वुर करते हैं, वो हमारे साथ है, हमारे करीब है, यानी हम हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा है, इस वजह से हम कहते। ठीक है, तसव्वुर में यानी कि आपके ख्यालात में आपको ये लगता है कि आपके हाजिर इमाम आपकी दुआ सुन रहे, क्या असल में वो सुन सकते हैं? वो सुन सकते हैं, वो अपनी जमात की मुश्किलात को हल करते हैं, वो कभी अपनी आप जमात कहते को हैं, फाइंड। आप कहते हैं कि मेरे तसव्वुर में मैं ये मानता हूं कि मेरा इमाम मेरी सुनता है, लेकिन जब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका ख्याल है तो क्या असल में वो सुनते, तो आप कहते हैं कि हाँ वो असल में भी सुनते। अगर वो असल में सुनते हैं तो फिर बात दोबारा वही असल आ, में तो वो थोड़ी, असल में अगर सुनते हैं तो फिर बात वही, हम वापस आ जाएंगे, हम वापस उधर पॉइंट पे आ जाएंगे कि अगर वो असल में सुनता है तो फिर वो इंसान नहीं है, अगर तसव्वुरात में आप सुनते हैं तो उसका मतलब ये कि हाजिर इमाम सुनते नहीं है, सिर्फ ये आपका ख्याल है। अब आप फिर फंस गए इस बात पे, कैसे हल करोगे मसला मेरे भाई? यानी वो जो मुश्किल होते हैं लोग इमाम से पूछते हैं, इमाम उनका सजेशन देता है, वो हम फिजिकली उनसे पूछते हैं, आप इस तरह वो थोड़ी होता है कि आप एक बंदे के ख्याल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप उनसे जाहिरी तौर पर मदद मांगते हैं, यानी वो आपके सामने होते हैं और आप उनसे दुआ मांगते हैं। वो हमारे सामने कैसे हो सकते हैं, अरे एक प्रोसीजर है, एक उसके जरिए से जो मसाइल है वो उसके पास जाते हैं और वो उनका हल देता है। लेकिन फिर जब आप दुआ जमात खाने में 2 टाइम 3 टाइम पढ़ते हैं, उसको पुकारते हैं, क्या वो सुनता है कि नहीं सुनता? वो मुश्किल कुशा है, उसको क्यों हम उससे मदद मांगते हैं, वो कैसे नहीं हम उससे मदद मैं मांगते हैं, वो फिर हमारे यही बीच है। पूछूंगी, मैं फिर यही पूछूंगी कि मुश्किल कुशा वाली बात पर भी मैं आ जाऊंगी, हिस्ट्री पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, हम मुश्किल कुशा वाली बात पे भी बात करेंगे। अभी हाजिर इमाम को आप क्लियर तो करो कि वो एक इंसान है, वो एक रूह है, वो उसकी उसकी जो क्वालिटीज है, वो जो कहते हैं ना खसूसियात, वो इंसानों वाली है या वो कोई और मखलूक है? वो इंसानों वाली है, बिल्कुल भी अच्छा, तो इंसान में ये ताकत नहीं होती कि वो खुद कहीं और बैठा हो और वो इतने सारे मिलियन इस्माइलियों की दुआ एक ही वक्त में अलग अलग जमात खानों से सुन भी ले और उसका जवाब भी दे, ये पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए। बोलिए, अब क्या करेंगे इस मसले का? आप बताए तो मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ नहीं आया? देखो, आप बहुत कंफ्यूज हो मेरे भाई।
देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई इंसान है तो उसके अंदर इंसान वाली चीजें होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वो खाता पीता हो, वो किसी जरिए से, यानी कि आप अपने कानों से सुनता हो या फिर किसी मोबाइल से, किसी इंटरनेट से आपकी बात सुनता हो। लेकिन आप इस्माइली हजरत क्या करते हैं, आप लोग जमात खानों में जाके अपने इमाम से मदद मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, मुश्किल कुशाई। एक मिनट, आप थोड़ा सा आराम करें, सबूर करें। इसका तर्जुमा करें मुझे प्लीज। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इसका तर्जुमा, लेकिन बात दोबारा आ जाएगी, क्योंकि जब आप उसको इमाम मुबीन कह रहे हैं, नहीं, बस इसका तर्जुमा कर इमाम, देता हूँ आप। बता देती हूँ ना, बता देती हूँ, मुझे रटा हुआ, बात सुन लीजिए। इमाम कहते हैं तो क्या फिर मैं भी पूछूंगी कि वो एज अ इमाम इंसान है या वो कोई रूह है या कुछ और मखलूक है? ए ईमान वालों, अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की, और उनकी अताअत करो जो तुम्हारे बीच इलाही अमर के मालिक है। सही बोला? तो वही तो, हाँ, लेकिन इसमें भी आपने गलती की है, आपने आधी आयत पढ़ी है, पूरी आयत नहीं पढ़ी। लेकिन पूरी आयत वाली बात पर बाद में आएंगे। अगर आप उसे इमाम मानते हैं तो इमाम जो है वो इंसान है, कोई मखलूक है? पहले ये तो अपने आप को क्लियर कर लो ना आप। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या अच्छा, है, तुम्हें सिर्फ अपने पेश का वो जिन है, वो हमारे प्लीज है, हम जिसका जवाब उसको नहीं है ना? मानते हैं। तुम्हें अपना पेश का जेम्स पेज का नाम चेंज करे, तुम ठीक उसके है, नाम पे लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, बात तुम उसके बात साथ अब ये आ उससे गई। इख्तिलाफ रखने हैं तो रखिए, अच्छा, वो मुझे तो हमारे कोई पेज मसला का नहीं नाम। है। देखो भाई, मुझे तो क्लियर हो गया, तभी तो मैं इस्माइली से मुसलमान हो गई, वो तो बात मुझे तो क्लियर है। आपको यही नहीं पता कि आपका इमाम जो है वो इंसान है, मखलूक है, जिन है, भूत है, खुदा है, यही तुम्हें नहीं पता? इंसान है, इंसान इंसान में तो ये ताकत हो ही नहीं सकती ना, तुम क्लियर तो मैंने करो मेरे मेरी बात भाई। सुना है, यहाँ पे मेरा दोस्त बात कर रहा था, मैं ओ इसकी बातें सुन रहा था, आपकी बातें जी सुन जी रहा था। बोलिए बोलिए। एक बात मेरी बात सुने हैं कि हम मजाल खुद इस्माइली, हम मुसलमानों के एक फिरका है और बाकी जितने भी फिरके हैं वो सब हमारे लिए अजीज है। ठीक है। उसके बाद हमारे दीन में हमें ये इजाजत नहीं दिया जा रहा है कि हम किसी और के ऊपर बात करें। कुरान किसके में बात लफ्ज करें? तुम दीनहू वलीउद्दीन, वो तो हम वही जो होते हैं कि हम बात किसी दूसरे को सुनिए, ये कहें कि लकुम बात दीनकुम मेरी सुने वलिया अभी, दीन, लकुम दीनकुम बात वलिया सुने, दीन, तुम्हारा तुम्हारा दीन दीन। तुम्हारे लिए, हाँ, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, लेकिन ये नबी ने कब आपने कहा किससे था? गलती नबी है कि आप सल्लल्लाहु दोनों अलैहि दोस्त हैं, वसल्लम हमारे ने इमाम के ऊपर बात करो। बात करते हैं, ठीक है। आपने आयत पढ़ी किसने सूरह अल्लाह के बोले, काफ़िरून, मैं किसने सुनिए है क्या, सुनिए, रुको, किस किसने सबर रखा किसने लोग करो। दिया इनको? देखो नहीं नहीं भाई, भाई, तुझे जब आप किसने लोग के डिस्कशन दिया? वो करने हमारे आते दीन हैं के ना, ऊपर बात करे, हमारे ईमान के ऊपर बात करे, हमारे फिरके के ऊपर हाथ उठाए, वो हमारे इमाम के नाम पे पेज चला गए। ये फेक पब्लिसिटी ना, ये अच्छा फेक पब्लिसिटी, अपने यूट्यूब में जाके बकवासियात करे, ये इस तरह ना करे। ठीक है, आप जवाब मुसलमानों नहीं है। को, हमारे, हम मुसलमान हैं, हमें ये इजाजत नहीं है कि हम किसी आपने और के खुद ऊपर को बात खुद करें, किसी मुसलमान दूसरे बोला पब्लिसिटी में है, आने की आप कोशिश करे, साबित नहीं कर क्यों? सकते, बस आप साबित नहीं किस कर तरह साबित सकते। नहीं कर सकते? हमारे स्कॉलर से जाके बात करें, हमारे आपके यहाँ पर स्कॉलर्स तकरीबन तीन, सुने, आपके दो तीन नंबर की स्कॉलर्स चीज है। भाग आप चुके लोग हैं मेरे आके साथ डिस्कशन सोशल करके। मीडिया के ऊपर बातें कर रहे हो ना, ये आफताब नहीं होता हुसैन क्या? मिशनरी हमारे लिए भाग सब गया, खलील सब अंदानी भाग गया, इमरान राम जी भाग गया, ये आपके हमारे लिए मुखी सब हैं। अजीज है, हमारे लिए मुसलमानों के तमाम फिरके अजीज है, हमारे देखिए लिए सब देखिए चीजें अजीज देखिए है। देखिए मेरे भाई, हमने आप हमारे टॉपिक से कंट्रीब्यूशन नहीं है डिविएट हो हमारी रहे हो, चीज में, आप टॉपिक से। मुझे टॉपिक से कोई तो लेना नहीं, नहीं आप लोगों ने किस बेस पे ये बेस छड़ी है आप दोनों ने, मैंने सिर्फ आप दोनों की बातें, हल्की सी बातें सुनी, उसके बाद मैंने इसको कहा यार बस करो। अब मैं ये बता रहा हूँ, मेरी बहन ये बात सुने, बात जी जी बोलिए। ये है कि फेक पब्लिसिटी और अपने पेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए अच्छा। मैं सबसे पहली बात ये बताया, बोलिए। रसूल करीम ने क्या ये लो किया था कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने? नबी करीम क्या सल्लल्लाहु क्या अलैहि वसल्लम हम के सवाल कर ले तो जवाब देने का मौका दीजिए ना, इस तरह वन वे ट्रैफिक तो नहीं बात होती सुने ना मेरे बात सुने भाई, बात सुने वन वे ट्रैफिक तो नहीं बात होती ना सुने भाई खुदा जान। अल्लाह ताला हम भी मानते हैं, रसूल हम भी मानते हैं, ठीक अच्छा, कहाँ है, मानते हैं? 1,24,000 पैगंबर नहीं हम भी मानते हैं, मानते हैं। नहीं मानते आप। किसने कहा, किसने कहा? आप नबी को मानते? आप अपने इलम को वसत दे पहले, आप सबसे मुझे पहले अपने बताएं इलम कि को वसत नबी दे। नबी की आपको कौन सी मजीद बात कुरान आप पढ़ने की मानते हैं? जरूरत है? आपको नबी की कौन पीरों सी को बात मुंह मानते चेहरा हैं? पढ़ने की जरूरत है? आप
आप आधी अधूरी कलम जो होती है ना, इंसान किसी के लिए बहुत ज्यादा मुजिर है। एक काम आप आधी कीजिए, अधूरी कलम रख के पेश कर एक काम आप कीजिए, आधी अधूरी कलम रख के पेश ना करें। एक काम करते हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो है अगर अपने आप को मुसलमानों का फिरका कहते हैं, तो मुसलमानों वाला ऐसा कौन सा काम आप करते हैं वो जरा मुझे बता दीजिए, ताकि मसला खत्म हो जाए। आप ये बताएं कि हम मुसलमानों वाला ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं करते। हाँ अच्छा, आप लोग मुसलमानों की तरह कलमा नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, हज पे नहीं किसने जाते? कहा वो या भाई, तो मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, अपने इलम को सकते आपने किसी थर्ड क्लास बंदे से, किसी के कुछ इलम ही ना हो, इसी से जाके पूछा है भाई कि आप रोजे नहीं रखते, आप हज नहीं करते, आप ये करते, आपको अपनी इलम को सकते नहीं जरूरत से, आपके यहाँ हज फर्ज आपको है? पता ही नहीं है भाई। मैं इस्माइली रह चुकी हूँ, हज के लिए किसने कहा? आप आप हज इस्माइली रह भी चुकी होगी, आप इस्माइली होगी अगर तू अगर अगर आप इस्माइली रह के आप अगर उस वक्त यही कहा गया है कि आपको आपके मजहब में आपके फिरके में हज अलाउ नहीं है, तो किसी डेढ़ क्लास थर्ड क्लास बंदे के साथ रही होगी। अच्छा, इसका ठीक है, मतलब अच्छा, एक बात, एक सेकंड मेरे भाई, जरा सुन लो ना, बात करने आए भाई हो, हमारे बात अकीदे करने ये आए हैं, हो, तो हम जरा हज भी सबर भी क्यों तो रहे हैं, करो ना। हमें रोजा भी रखना है, अच्छा हमें रोजा भी रखना है, हमें हज भी, हमें दीन इस्लाम की हर चीज अजीज है, हर ठीक प्रैक्टिस है, हम करते हैं। अच्छा, अगर आप कोई रोज हज कोई क्यों नहीं हज करते, नहीं किस तरह करता, के बैक अगर बोन से कोई क्यों हज क्यों नहीं नहीं करना पड़ता करता, खुदा की? सुने तो सही, अगर कोई हज नहीं करता तो क्या वो मुसलमान होता है? हज उस बंदे के लिए है जो साहिब हैसियत हो, ठीक है, अगर साहिब किसी हैसियत हो, गरीब के लिए। अगर साहिब हैसियत हो हाँ और तब भी ना करे तो क्या वो मुसलमान रहेगा? आप दीन है, आप कुरान की कुरान और अहादीस देखिए, वहां पे मेरा ज्यादा है। सवाल ठीक बड़ा है, सिंपल है, आप आज ये मेरा सवाल बहुत आप आज आसान है, ये आप हाँ या ना में जवाब आप ये दीजिए। करें, अगर एक आप ये इंसान के करें, आप ये करें, पास आप ये करते, आप ये करें, आप आधी अधूरी कलम लेके किसी दूसरे के ऊपर ना उंगली उठाने से पहले अपनी जुबान में जाके अपनी जीवन आपका ना को मसला ले, पता ठीक है है? क्या है भाई, आप पर्सनल, आप सुन नहीं रहे। आप अपना पर्सनल अच्छा देखिए, सबसे सुन पहले लीजिए, सुन लीजिए, अब आप सुन अपने फिरके लीजिए, को भी छोड़े हैं, अब सुन हमारे लीजिए, लिए सब फिरके अजीज है, आपका हम नाम मुसलमान क्या हैं है, सबसे पहली बात। आपका नाम क्या है मेरे भाई? आप मुसलमान हैं, मेरा नाम अलीना है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला भाई, देखो सवाल एक बहुत आसान सा किया कि अगर एक इंसान के पास पैसे भी हो, ताकत भी हो, सेहत भी हो, उसके पास कर्जा भी ना हो, अगर वो हज नहीं करता तो क्या वो अल्लाह के फर्ज से इनकार नहीं कर रहा? क्या वो मुसलमान रहेगा? इसका जवाब दे दीजिए बस। आप एक बात बताएं, अगर वो बंदा हज नहीं कर रहा तो हम कौन होते हैं? वो खुदा के दीन से वो बाहर जाके खुदा की बात नहीं मान रहा है, हर चीज उसके लिए अवेलेबल है, हर चीज के लिए उसको मौका है, लेकिन वो फिर भी हज नहीं कह रहा, तो हम कौन होते हैं कि ठीक है, उसके ऊपर उंगली अगर उठाए, अगर पूरे दीन एक के ऊपर उंगली उठाए, एक पूरे फिरके एक के ऊपर बात उंगली सुने, उठाए, उसे आप आप नाफरमान दीन बोलेंगे? का आप उसे नाफरमान बोलेंगे? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? बोलेंगे ना नाफरमान, तो आप मुझे हाँ बताइए, बिल्कुल, और बस सुनो 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 सुनो, ब्रेक मेरे भाई, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आपने ये भी कहा होगा कि आपने इस्माइली हज नहीं करते हैं, इसीलिए आपने उंगली उठाई, और नहीं 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 आपका नहीं सवाल मैं ये है इस्माइलियों कि पे बात ही नहीं कर रही, मेरी मैं तो आपके इमाम पे बात कर रही हूँ, आपके इमाम ने हज नहीं किया, क्या वो नाफरमान नहीं है? आपको बस अभी मैं इतना कहूंगा ना, आपको बहस करने की यही है नहीं किया ना, ना खुदा इमाम ने के साथ हज, बेस्ट नहीं करना चाहिए, इमाम ने हज वही नहीं आप किया अपने ना, आप को हो सकते, फिर किसी इमाम ने हज रोज नहीं किया इस्माइली ना, के घर पे हम बात क्यों करेंगे? तकलीफ आप क्यों हो अपने रही है इलम को बोलते हो हुए? सकते अपने, नहीं, देखो दुनिया मेरे में आप भाई, बसी अपने इलम को हो सकते। भाई बड़े भाई बड़े हजरत अली, मेरे भाई हजरत अली ने हज किया, हजरत अली पैदा ही तो खाना काबा में हुए मेरे, भाई आप अपने इलम को हो सकते, अपने इलम को हो सकते, मेरी जान आप अपने इलम को हो सकते, बस हजरत अली ने हज किया, हजरत अली ने आप हज अपने इलम को हो सकते, मैं इतना आप किया, जवाब ही नहीं दे रहे, आप आपसे अपने इलम पूछा को, क्या पूछा आप जा रहा है अपने आपसे? इलम की बात कर रहा हूँ ना, मैं गाइड नहीं हूँ ना, मैं इलम की बात कर रहा हूँ भाई, से पहले अपने इलम को हो सकते, मैं तो पूछ रहा हूँ जो आपके उसे बच्चे जिस इमाम किसी हजरत के अली ऊपर ने बात हज भी किया, करो ना, उसके ऊपर मुकम्मल आप लोगों के पास अगर
इल्म नहीं है तो उसके ऊपर मायने क्यों करते हो? आपके पास है, आपके पास पब्लिसिटी, ये फेक पब्लिसिटी, आप चीज है पास इल्म है, फेक पब्लिसिटी जी, आपके पास नहीं है, आपके पास इल्म है, कायनात में इल्म नहीं रहता। भाग रहे मेरे भाई, मेरे भाई आप भाग रहे, इस्माइली बात क्या है? इस्माइली के पास कुछ भी नहीं है, भाग क्यों रहे? कुछ सिर्फ भागने के बाद कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो भाई आप बता दो ना, आपका दोस्त क्या क्या, सुनो आपका दोस्त वो क्या बोल के आया, उन्होंने क्या कमेंट किए, क्या आप मुझसे बात करो, मैं आपको तबलीग करता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं आपको कमेंट, अच्छा सुनो मेरी बात मेरे भाई, आपका सुन रहा हूँ भाई, होता है कि हम तबलीग करते हैं आप सुनते नहीं, अब आप भाग रहे हैं, ठीक है ना, वही बात है ना, तो मैं आपके साथ आपको जाहिल के साथ पेश करके गधे, भाई आपका दोस्त एक बात कर रहा है, आप एक बात कर रहे, वही बात होगी ना, अगर इसको इसमें यही बात, अगर और एक बात बोलो, आपका दोस्त बोलता है आप तब्दील करते हैं आप सुनते नहीं, जब हम बात करने आते हैं आप तुम्हारी सुनने आते हैं तो तुम भागते हो। अच्छा अब ये बताइए मुझे, आपने जो भी दिखाया मुझे, मैंने देखा नहीं है, सबसे पहली बात मैं पूछू ना मेरे भाई, मैंने उस वीडियो के अंदर क्या है वो मैंने देखी नहीं है, सबसे पहली बात आप लोगों की बात, दूसरों की बात नहीं हो रही है, आपका दोस्त कमेंट पे, आप ये बताया मुझे, आप ये बताए आप लोगों को इस्माइलियों से क्या, सबसे सिंपल सवाल है, दीन से भी सिंपल सवाल, सिंपल सवाल, सिंपल, अच्छा सिंपल सवाल, मजहब मजहब और दीन से पहले उसका जवाब सुन लो फिर दूसरा सवाल करो, हम 1000 सवाल के जवाब देने वाले हैं, हम भागने वाले नहीं है, हम भागते, मेरी बात सुने, मेरी बात है, आपने सवाल किया तो यार आपने सवाल किया, सवाल से भाग रहे हो तुम, आप बोलो सवाल से भाग रहे हो तुम, नहीं बताइए आपने सवाल किया कि क्या प्रॉब्लम है इस्माइली से, राइट, हाँ बताइए, ओके इस्माइली से हमारा ये प्रॉब्लम है, इस्माइली अपने आप को बोलते हैं हम मुसलमान हैं, दीन हमारा इस्लाम है, बुक हमारी कुरान है, ठीक है ठीक है, बताइए बताइए, करते हो नहीं करते हो, क्लेम करते हो ना बुक आपकी कुरान है, बिल्कुल है, क्यों नहीं, कुरान के, कुरान में जो हुक्म दिया है उसमें से कौन सा अमल करते हैं भाई इस्माइली, हमको मैंने वही कहा था ना भाई, हम कौन सा नहीं करते ये वो तो बताए ना, आपके इमाम जो है वो अभी तक हज पे नहीं गए, आपने जवाब नहीं दिया इसका, यार आप लोगों को वही कह रहा हूँ ना, आप आपको हज बस जो जो कुरान में था, हजरत अली देखो, हजरत अली पहले इमाम बोलते हैं, हजरत अली को हुक्म दिया अल्लाह ने कि हज करो, आपने जाके हज किया, प्रोफेट को हुक्म दिया हज करो, प्रोफेट ने जाके हज किया, इमाम हुसैन ने हज किया, इमाम हसन ने हज किया, जैनुल आबिदीन ने हज किया, खामोश हो गए भाई, नहीं इमाम को हज की कोई जरूरत नहीं, क्यों वो मुसलमान नहीं है, जब चाहे वो कर सकता है, अभी भी उम्र बड़ी है वो, इंशाल्लाह हज कर, तो जो पहले तीन इमाम बगैर हज के मर गए उनका क्या करोगे, बोला इमाम को जरूरत नहीं है, राइट, तो ये आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि इमाम को जरूरत नहीं है, इमाम अली की औलाद है, आले नबी औलाद अली है, उसको हज की क्या जरूरत है, अली खाने का वो खुद पैदा हुआ, अली ने हज क्यों किया मेरे भाई, हजरत इमाम हुसैन ने हज क्यों किया, इमाम हसन ने क्यों किया, जैनुल आबिदीन ने क्यों किया, यार आप हमारे सुकाला से बात करें, यार आप हमसे बात ना करें, आपके पास इल्म नहीं है ना, फिर चैलेंज क्यों किया था, दोस्त आया ना मेरे भाई, बोलते हैं कि वो बोलता है हम तबलीग करते हैं आप सुनते नहीं है, तो जो आपका नहीं करते हम तबलीग क्यों करते, हमने तब तबलीग किए ही नहीं,
किस इस्माइली ने तबलीग किया है? देखो प्रॉब्लम ये है, आपका दोस्त एक बात बोल रहा है, आप एक बात, मसला यहाँ हो या मसला आपके साथ, आप सिर्फ आपने पेश करना है, पेश करें, बाकी आपसे आप कोई मसला नहीं है। आपको कमेंट बता दूं मैं आपको? जी बता दे, बता दूं। हाँ, आपके दोस्त से आप नहीं पूछते कि भाई तुमने ये लिखा था कि नहीं लिखा था? मैंने जो लिखा है बिल्कुल ऑथेंटिक सही चीज है। आप कौन बात कर रहे हैं? साजिद बात कर रहे हैं आप? साजिद हाँ, कौन बात कर रहे हैं? मैं साजिद बोल बात कर रहा हूँ। साजिद तुमने लिखा था ना भाई, तुमने लिखा ना कि मैं हम तबलीग करते आप सुनते नहीं है, राइट? मैंने ऐसे कहा लिखा है? कहा लिखा? एक सेकंड तू बात कर रहा, मैं अभी एक मिनट में। देखिए अगर आप इस्माइली है ना, तो इस्माइलियों को बेसिक नॉलेज तो अपने मजहब की होनी चाहिए। अब आप मुझसे कुछ पूछते हैं कि सिस्टर आप नमाज पढ़ती हैं, रोजा रखती हैं, हज पे जाते हैं, तो आपने किससे सीखा, कहाँ से सीखा? तो इतनी नॉलेज तो हर छोटे मोटे को भी होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके हाजिर इमाम हज पे क्यों नहीं जाते, इसकी क्या वजह है? हम कहाँ नहीं जाते? हज पे आपके इमाम क्यों नहीं जाते? हज क्यों नहीं करते? आपके इमाम की फैमिली, आपके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जो है वो बगैर हज के जो है वो इंतकाल कर गए। उस पे आप क्यों क्यों बहस करना है? वो इसलिए बहस करेंगे क्योंकि जब किसी के मजहब पे बात आती है तो हम या तो उसकी किताब पे के हवाले देते हैं कि तुम्हारी किताब में ऐसा लिखा है और तुम्हारे जो अकायद है वो तुम्हारी इस किताब से, या फिर अगर उसका इमाम जिंदा होता तो हम कहते हैं कि ये तुम्हारे इमाम का जो है ये तरीका है। इनका रिकनेक्टिंग हो गया, एक मिनट, या तो अपना वाईफाई इन्होंने ऑफ कर दिया, देख लेते हैं अभी। ये आ गया, ये चले गए, कॉल काट कर चले गए। रिकॉर्ड हो गए ना? जी रिकॉर्ड हो गए।